हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस नाइन्थ लेक्चर ऑफ मैनेजमेंट। बिफोर स्टार्ट दिस आई वुड लाइक टू रिकैपिटुलेट व्हाट एवर आई हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, दैट इज इन लेक्चर 8। सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वेयर वी लर्न अबाउट द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाई हेनरी फायर। टूडे we will discuss about functions of management, where planning, organizing, directing and controlling would be discussed. Some other functions of management would also be discussed at the end to make you aware regarding post-COR. So let us start with learning outcome of this session. So after this session, a student will be able to, and you will be able to list the functions of management, describe the functions of management and explain the term post-COR. Yani explain the term. Ek second, pencil le lete hain yahan se. Yani what happened? Okay, take pencil. Then, okay, so now explain the term post-COR. Of functions of management, according to Henry Fayol, to manage is to forecast and plan. Henry Fayol कहते हैं कि to manage का meaning होता है to forecast and plan, to organize, to command and to control. Whereas लूथर गार्लिक, यहाँ से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछता है, ध्यान रखिएगा पोस्ट कॉर्ब, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, इसको आप बना लीजिएगा। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है पोस्ट कॉर्ब का, दो नंबर में कि राइट द फुल नेम ऑफ पोस्ट कॉर्ब। सो आपको इसको ध्यान में रखना है। ओके, सो हैज गिवेन कीवर्ड्स दैट इज पोस्ट कॉर्ब, फेयर पी स्टैंड फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्टिंग और सी ओ फॉर कोऑर्डिनेशन, आर फॉर रिपोर्टिंग एंड बी फॉर बजटिंग। बट द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड आर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट गिवेन बाई कुंट एंड डोनेल, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सो planning, organizing, staffing, directing and controlling are the main function of management. Okay, main function of management. So these functions are essential to achieve the organizational objectives. So in function ko ab hum ek ek karke discuss karenge. First, planning. So planning means thinking before doing. Yani aapko kya karna hai, what you have to do na, isse pahle aapko sochna hai, ठीक ना, उससे पहले आपको प्लान करना है कि किस तरीके से हम उस काम करेंगे, यानी थिंकिंग बिफोर डूइंग। प्लानिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन इन एडवांस, यानी भविष्य में आपको क्या करना है इसके लिए पहले ही आप डिसाइड करते हैं, और आप द्वारा पहले डिसाइड करना ही प्लानिंग है। सो इट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, primary function of management. अब according to Kunt and Donnell के अनुसार, planning is deciding in advance what is to do, how to do it and when to do it and who is to do it. यानी कह रहे हैं कि ये डिसाइड करना कि हमें क्या करना है, what to do it, और कैसे करना है, कब करना है, when to do it, and who is to, और कौन किसके द्वारा करना है, कौन इसको करेगा। सो इट ब्रिजेज द गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड टू वेयर वी वांट टू गो। तो ये इन दोनों के गैप को पाटता है, जहाँ कि हम आज खड़े हैं और जहाँ जाना चाहते हैं। सो इट इज एन इसेंस द एक्सरसाइज ऑफ फॉरसाइट, या एक दूरदर्शिता का परिचय है कि मतलब आपने क्या करना है उसको पहले ही आप सब कुछ प्री प्लान कर लिए। दस प्लानिंग इज अ रेशनल अप्रोच फॉर डिफाइनिंग वेयर वन स्टैंड्स एंड वेयर वन वांट टू गो इन फ्यूचर एंड हाउ टू रीच देयर। ओके, तो इसको हम एक ग्राफ से देखते हैं।
अब देखिए, प्लानिंग फॉर ब्रिजिंग द करंट। अब ये करंट स्टेटस है जहां हम आज हैं, T1 में ना, T1 टाइम में आज हम, ये मेरा करंट स्टेटस है। अब हम प्लानिंग करते हैं, ये डिजायर्ड पोजीशन है इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए, या टी टाइम में हम इस एरिया में आने के लिए, T2 टाइम में। तो किस तरीके से हम यहाँ से स्टार्ट करें उसके लिए प्लानिंग की, भाई हमें प्रोडक्शन, मान लेते हैं कि T1 टाइम में हमारा प्रोडक्शन, यदि इस पे प्रोडक्शन को ले लेते हैं तो 100 यूनिट है, और इसको हम बढ़ाकर 200 यूनिट यदि करना चाहते हैं या 300 यूनिट करना चाहते हैं, तो व्हाट विल बी अवर प्लान। तो इस T1 से T2 टाइम में किस तरीके से स्ट्रेटजी, हमें रणनीति तैयार करनी होगी कि हम यहाँ पहुंच पाए। तो एक जो है मैप है कि किस तरीके से हम डिजायर्ड पोजीशन को प्राप्त करेंगे। अब ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपिंग प्रोडक्टिव रिलेशनशिप अमंग देम फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यानी ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, उन सभी को एक साथ एक जगह समेकित करना, उसको एक जगह ऑर्गेनाइज, इकट्ठित करना, देन डेवलपिंग प्रोडक्टिव रिलेशनशिप, और उनमें एक जो है उत्पादक संबंधी संबंध स्थापित करना, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य है। इसीलिए ना, सारा चीज पहले हम इन्वेंट्री में रखते हैं, देन वहां से अकॉर्डिंग टू डिमांड हम इन्वेंट्री से रॉ मटेरियल निकाल कर यूज करते हैं, देन फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो वही कहता है कि सभी संसाधनों को, जो चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हो, चाहे फाइनेंशियल हो, ह्यूमन रिसोर्सेज हो, एक जगह रखकर उसमें एक रिलेशनशिप, जो प्रोडक्टिव रिलेशनशिप कंबाइन करके और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को मीट करेंगे। अब ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन इन्वॉल्व्स क्या क्या करता है? आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड एक्टिविटीज, यानी कौन सी एक्टिविटीज करनी है उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसका क्लासिफिकेशन करता है। नेक्स्ट, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज नेसेसरी टू अटेन ऑब्जेक्टिव, यानी जो हमें प्राप्त करना है, जो ऑब्जेक्टिव हमें प्राप्त करना है, उसके लिए डिफरेंट एक्टिविटीज को एक एक ग्रुप में बनाना, कि ये एक्टिविटीज ये ग्रुप करेगा, सेकेंड एक्टिविटीज ये ग्रुप करेगा, इस तरीके से करना, देन असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। अब वो जो मैंने डिफरेंट डिफरेंट जो ग्रुप बनाया, उनको हम ड्यूटी देंगे कि एक्टिविटीज 1 को ग्रुप 1 करेगा, एक्टिविटीज 2 को ग्रुप 2 करेगा, इस तरीके से उनको ड्यूटी हम असाइन करेंगे। देखिए, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, देखिए कई बार पूछता है कि क्या अथॉरिटी को डेलीगेट किया जा सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि इससे ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो अथॉरिटी डेलीगेट किया जा सकता है। सो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड क्रिएशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी अधिकारों का विकेंद्रीकरण यानी चित्राना, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, और क्या बोलते हैं, विकेंद्रीकरण और जिम्मेदारी का निर्माण करना, वही क्रिएशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, अब कोऑर्डिनेटिंग, अब उन दोनों में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में एक रिलेशनशिप स्थापित करना, ठीक ना, ये चीज है ऑर्गेनाइजिंग। अब हम आते हैं डायरेक्टिंग। सो इट इज दैट पार्ट ऑफ मैनेजरियल फंक्शन विच एक्चुएट द ऑर्गेनाइजेशनल मेथड्स टू वर्क इफिशियंटली एंड इफेक्टिवली फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस। देखिए, सारे जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं, उनका एक ही उद्देश्य है कि ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्य, उसके जो उद्देश्य, उसका जो पर्पस है, उसको मीट करना। तो वही करता है कि ये सभी जो मैनेजरियल फंक्शन, उसको सक्रिय कराता है, द ऑर्गेनाइजेशनल मेथड्स टू वर्क इफिशियंटली एंड इफेक्टिवली ना, जितने भी उन सारी चीजों को डायरेक्ट डायरेक्शन देता है, उसको सक्रिय कराता है डायरेक्शन देकर कि किस तरीके से काम करना है ताकि इस लक्ष्य को प्राप्त कर सके। सो द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिंग इन मैनेजमेंट मीन्स द प्रॉपर लीडरशिप इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कह रहा है कि द कंसेप्ट इन डायरेक्टिंग में, इन मैनेजमेंट, कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिंग इन मैनेजमेंट मीन्स प्रॉपर लीडरशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो डायरेक्टिंग का जो मतलब है, वो संगठन में उचित नेतृत्व मिले तभी जाकर सही दिशा में, सही टाइम पे जो ऑर्गेनाइजेशनल लक्ष्य है उसको प्राप्त किया जा सकता है। एंड द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीडिंग।
which announce the employees work in right direction towards the mutual benefits of the organization as well as employees. यानी इसको एक लीडिंग भी कहते हैं डायरेक्टिंग को, जो कि नेतृत्व करता है और उसमें जो इम्प्लॉयज को के साथ साथ जो है कि ऑर्गेनाइजेशन को भी म्यूचुअल बेनिफिट्स होता है जब हमारा विद इन स्टिपुलेटेड टाइम जो है प्लान के अकॉर्डिंग वर्क कंप्लीट हो जाता है. सो डायरेक्शन हैज फ्लोइंग एलिमेंट्स. अब कुछ एलिमेंट्स हैं जिसके माध्यम से हम विद इन टाइम उसको मीट कर पाते हैं लक्ष्य को. उसके लिए जो एलिमेंट्स हैं वो निम्न है. ये है पहला सुपरविजन. सुपरविजन इट इज द एक्ट ऑफ वॉचिंग एंड डायरेक्टिंग वर्क एंड वर्कर्स. यानी यह एक जो कार्य है जिसमें कि हम वर्क और वर्कर्स के का जो एक्टिविटी है उसको हम देखते हैं, उसको निर्देशित करते हैं कि किस तरीके से आपको कार्य करना है. देन मोटिवेशन, इट मीन्स इंस्पायरिंग, स्टिमुलेटिंग एंड एनकरेजिंग द सबऑर्डिनेट्स टू वर्क विद जील. यानी इसका मतलब होता है मोटिवेशन के कि आप उनको इंस्पायर कीजिए, उत्तेजित कीजिए और उत्साहित कीजिए अपने जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं ताकि वो पूरे उत्साह के काम कर सकें. और देन पॉजिटिव, निगेटिव, मोनेटरी, नॉन मोनेटरी इंसेंटिव में भी यूज फॉर दिस पर्पस. तो जो भी आपको लगता है कि नहीं नहीं हमें कुछ उनको रिवार्ड देनी चाहिए, कुछ इंसेंटिव देना चाहिए ताकि उनका मोटिवेशन व्याप्त रहे, तो ये भी आप कर सकते हैं. देन लीडरशिप, इट मे बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस बाई विच मैनेजर गाइड्स एंड इन्फ्लुएंसेज द वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट्स इन डिजायर डायरेक्शन. जो लीडरशिप है एक प्रोसेस के तौर पर डिफाइन किया जाता है जो कि एक गाइड करता है और इन्फ्लुएंस करता है सबऑर्डिनेट्स को, जो अधीनस्थ है उनको, कि राइट डायरेक्शन में वो कार्य कर सके. एंड फाइनली दैट इज द कम्युनिकेशन. सो इट इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, ओपिनियन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. ना यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास ये इंफॉर्मेशन पास करते हैं. तो इट इज ए ब्रिज ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ना कम्युनिकेशन उनके जो है समझदारी के उनके बीच में एक ब्रिज का काम करता है जो कि दोनों के बीच एक वार्तालाप स्थापित हो पाता है. तो ये सारे पॉइंट हैं जिसके माध्यम से लोग उनको डायरेक्ट करते हैं, निर्देशित करते हैं कि किस तरीके से आपको वर्क करना है. देन कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट एक्चुअल एक्टिविटीज कन्फर्म टू द प्लान्ड एक्टिविटीज. ना यानी जो कंट्रोलिंग ये है कंफर्म करना कि जो एक्चुअल एक्टिविटीज है वो प्लान्ड एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ना यानी जो हमने प्लान किया था, पहले प्लान बनाया था, उसके अकॉर्डिंग वर्क चल रहा है या नहीं चल रहा है. सो इट इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग द फ्लोइंग स्टेप्स. इसमें जो निम्न स्टेप्स है उसमें फल है. फर्स्ट स्टेप जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस. पहले की इसमें स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस स्थापित करना. देन मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस. देन एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना. ना पहले स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस स्थापित करना कि ये हमारे मानक है, इसके अकॉर्डिंग आपको परफॉर्म करना है. देन एक्चुअल परफॉर्मेंस जो हो रहा है वो क्या, उसका मेजर करना कि वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है. देन कंपेरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ द स्टैंडर्ड एंड फाइंडिंग आउट डेविएशन इफ एनी. और कंपैरिजन करना एक्चुअल परफॉर्मेंस का विद स्टैंडर्ड जो भी फिक्स किया गया है और फाइंड आउट यदि कोई डेविएशन हो कि यदि मैं तो सेट ए किया था, प्रोडक्शन में ए फॉलो किया गया, इतना का डेविएशन है तो उसको फाइंड कीजिए. देन टेक ए करेक्टिव एक्शन अगेंस्ट दैट डेविएशन. यानी जो भी डेविएशन है उसके अगेंस्ट एक करेक्टिव एक्शन लेकर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करना होगा. According to EEL Bridge, control is check current performance against predetermined standard content in plans. In the plans, so with the view to ensure adequate progress and satisfactory performance. यानी EEL Bridge कहते हैं कि जो कंट्रोलिंग का कार्य है कि जो करेंट परफॉर्मेंस है वो क्या प्री डिटरमाइंड जो प्लान था उसके अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, उसको इंश्योर करना, उसको चेक करना, उसकी जो प्रोग्रेस है वो सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं है इसको चेक करना है. अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी, कंट्रोलिंग इज डिटरमाइनिंग व्हाट इज बीइंग अकम्प्लिश्ड
that is evaluating the performance and if necessary applying corrective measure so that performance take place according to plans. यानी इनका कहना है कि जो काम हो चुका है उसको उसका मूल्यांकन करना, उसको चेक करना कि वो क्या जो प्लान प्रिपेयर किया गया था उसके अकॉर्डिंग हो पाया कि नहीं, और इफ नेसेसरी और जरूरत भी पड़े तो एक करेक्टिव मेजर अप्लाई कीजिए दैट परफॉर्म द टास्क प्लेस अकॉर्डिंग टू प्लान, ताकि जो है कि जो टास्क का परफॉर्मेंस हो रहा है, जो वर्क चल रहा है वो प्लान के अकॉर्डिंग हो पाए. दस टू इंश्योर ऑल ऑफ द एवर फंक्शंस आर वर्किंग टुवर्ड्स द सक्सेस ऑफ कंपनी एंड मैनेजर शुड कंसिस्टेंटली मॉनिटर एम्प्लॉई परफॉर्मेंस क्वालिटी ऑफ वर्क एंड द इफिशियंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ कंप्लीटेड प्रोजेक्ट. तो ये सारा चीज़ों को मैनेजर ये करता है, इवेल्युएट करता है, उसका मॉनिटर करता रहता है ताकि जो है कि क्वालिटी मेंटेन रहे. अब अदर कुछ फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, जैसे स्टाफिंग है, सो इट इज कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू सेलेक्शन प्लेसमेंट ऑफ राइट पीपल फॉर द राइट जॉब. स्टाफिंग इज डिफाइंड एज filling and keep fill the position in the organization structure. यानी स्टाफिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि हम लोगों को सेलेक्ट करते हैं, जो वर्कर्स हैं उनका प्लेसमेंट करते हैं, और राइट जॉब के लिए राइट व्यक्ति को सेलेक्ट करना. साधारण शब्दों में ये कहें कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो पोस्ट है, जो उसको भरा रखने के लिए, उसको फिल्ड रखने के लिए हम स्टाफिंग का सहारा, ये ह्यूमन रिसोर्स, आजकल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत ये आता है. कोऑर्डिनेटिंग, सो इट इज द प्रोसेस ऑफ सिंक्रोनाइजिंग एक्टिविटीज ऑफ वेरियस पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू अचीव गोल्स. यानी जो कोऑर्डिनेशन है या लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संगठन में विभिन्न लोगों की जो गतिविधियां हैं उनको एक समय में करने की प्रक्रिया, यानी कोऑर्डिनेटिंग सभी लोग अपनी जो भी एक्टिविटी है साइमल्टेनियसली करें, तभी साइमल्टेनियसली लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल लक्ष्य को. सबके लक्ष्य को जब प्राप्त हो जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा. सो नेक्स्ट है मोटिवेटिंग. मोटिवेशन इज वन ऑफ द की फैक्टर्स ऑफ स्पीडी एंड इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज विच इज टेकन केयर ऑफ बाई रिसोर्सफुल लीडर्स. यानी यह एक जो है कि मोटिवेशन इज वन ऑफ द की फैक्टर्स, ये की फैक्टर्स है किस तरीके से वर्क को इफेक्टिवली और स्पीड अप करा सके, तेजी से करा सके एम्प्लॉयों की सहायता. और इसके लिए जो है कि एक रिसोर्सफुल लीडर, जो एक नेता को, जो लीडर को हम रखते हैं ताकि वो हमेशा उनके अंदर मोटिवेशन बनाए रखे ना, मोटिवेशनल स्पीच भी कराते हैं. देन रिपोर्टिंग, द मैनेजर हैज टू कीप अपडेटेड इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द ऑनगोइंग टास्क and it is the sole responsibility of manager to report the updated status to the higher authorities while all the employees are bounded to report to the manager. yani kehta hai ki manager has to keep updated information about the ongoing task, jo task chal raha hai, jo work chal raha hai usse manager ko apne aap ko update rakhna hoga. and it is the sole responsibility of manager to report the updated status टू द हायर अथॉरिटी, जो उसकी हायर अथॉरिटी है उसके पास इसके अपडेट को लगातार भेजते रहना होगा. वाइल ऑल द एम्प्लॉयज आर बाउंडेड टू रिपोर्ट टू द मैनेजर, और सभी जो एम्प्लॉयज हैं वो बाउंडेड है कि जो भी कुछ रिपोर्ट करना है वो अपने हायर अथॉरिटी को करें. एंड लास्ट दैट इज द बजटिंग, सो ए टास्क हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन द गिवन टाइम फ्रेम एज वेल एज इट शुड बी कॉस्ट इफिशियंट. And the manager need to be double sure that the entire amount invested in the project does not exceed the budget given. And in case of imbalance, the budgeting manager has to report to the management. यानी जो इसमें कह रहा है कि जो आप जो भी प्रोजेक्ट करते हैं, जो कंप्लीट विद इन टाइम फ्रेम और शुड बी कॉस्ट इफिशियंट, यानी जो आपको एलोकेटेड अमाउंट है उसमें होनी चाहिए, एलोकेटेड टाइम है उसके विद इन होनी चाहिए, और जो प्रोजेक्ट है
यदि वो बजट से ज्यादा है, टाइम लेता है या ज्यादा मनी लेता है, इन केस ऑफ इम्बैलेंस, यदि किसी प्रकार का इम्बैलेंस होता है, देन बजटिंग मैनेजर हैज टू रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट, तो उसे मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना होगा। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त हुआ। यहाँ आपको दिया गया है क्वेश्चन फॉर सेल्फ असेसमेंट, तो इसको आप सोल्व करके देख लीजिएगा। बाकी कुछ ग्रोसरी है जहाँ पढ़ सकते हैं और ये सारे रेफरेंसेज है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े पढ़े कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में ज़्यादा फोकस हम लोगों ने दिया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग पे। फिर हम लोग ये भी जाने कि ये पोस्ट कॉर्प क्या होता है और इसका किसने दिया था, जैसे लूथर गॉर्लिक ने पोस्ट कॉर्प को दिया था। और ये इसे जैसा कि हमने आपको बताया, यहाँ से बहुत बार ऑब्जेक्टिव रेज करता है। तो जो जो मैं पॉइंट बताता हूँ उसको भी आप ध्यान रखिएगा, ताकि आपको अलग से तैयारी ना करना पड़े एग्जाम के लिए। ओके, थैंक यू फॉर योर पेशेंस।